Dear students, today class will study about AC analysis of JFET junction field effect transistor. और इसे हम लोग small signal model of JFET भी कहते हैं. और अगर हम syllabus के according की बात करें तो this is the last topic of your syllabus, basic electronics engineering का third unit का. Okay, so let us look at this topic. So here we are going to see about JFET AC analysis. Okay, so first of all, you can see this one. This is nothing but JFET symbol, isn't it? Where drain, gate, and source is there. Okay, so in if we'll talk about input and output, something just will recall all this, all previous values. So input mere kya ho jayega? Gate. Output kya hai? Drain. एंड सोर्स इज नथिंग बट कॉमन बिटवीन दिस बोर्ड, यानी कि ये कॉमन सोर्स के तौर पे अगर हम लोग आगे चले तो देखेंगे. लेकिन अभी ये गेट है, ड्रेन है एंड सोर्स है. तो कॉमन सोर्स में सोर्स कॉमन हो जाता है, गेट एंड सोर्स इनपुट हो जाता है, इधर ये दोनों मिलके इनपुट बन जाएंगे और ड्रेन एंड सोर्स बन जाएगा, ये हमारा आउटपुट होता है, ड्रेन एंड सोर्स, है ना. तो इसी को देखते हुए अगर जस्ट BJT का अगर आप स्मॉल सिग्नल एनालिसिस रिकॉल करोगे तो थोड़ा सा आपको क्लियरली ध्यान पे आ जाएगा. तो इसको स्मॉल सिग्नल मॉडल के तौर पे हम देखेंगे. वो स्मॉल सिग्नल मॉडल में हम सबसे पहले वही प्रोसेस अप्लाई करेंगे जो कि हमने BJT में अप्लाई किया था RE मॉडल के तौर के टाइम पे. क्या करेंगे, अगर कोई रेसिस्टेंस कैपेसिटर्स है तो उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, अगर कोई वोल्टेज सोर्स है तो उसको हम लोग ग्राउंड या जीरो कर देंगे, ना? और इसके अलावा अगर कोई करेंट सोर्स या इंडक्टर्स है तो उसे हम ओपन सर्किट के तौर पर रिप्रेजेंट करेंगे. तो राइट नाउ अभी हम क्या कर रहे हैं, इस सर्किट को यानी कि सिंबल को JFET को का हम स्मॉल सिग्नल एनालिसिस या JFET मॉडल जो है वो यहाँ पे ड्रॉ कर रहा है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आप देख सकते हो यहाँ पे सबसे पहले हम एक जस्ट सिंपल सी लाइन ड्रॉ करेंगे, जैसे कि यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ की गई है ये, और इसको हमने कॉमन सोर्स दोनों में कॉमन कर दिया इनपुट एंड आउटपुट. इस साइड में इधर ये बीचों बीच एक हमने लाइन ड्रॉ किया, इसके इस साइड का जो पोर्शन हो गया इसको हमने इनपुट ले लिया और इसके इधर साइड का पोर्शन को हमने क्या ले लिया, आउटपुट ले लिया. क्लियर है. अब देखते हैं कि इनपुट में इनपुट वोल्टेज क्या है, आउटपुट वोल्टेज क्या है. तो अगर मैं इनपुट वोल्टेज जस्ट अभी मैंने एक्सप्लेन किया, इधर इनपुट वोल्टेज रख दिया हमने VI और इधर रख दिया आउटपुट वोल्टेज, ठीक है. और क्योंकि बीच से हमने सेपरेट कर रखा है तो एक बीच में हमने गैप दे दिया है, इनपुट साइड को अलग एंड आउटपुट साइड को अलग. और इनपुट का इनपुट में क्या है, गेट है तो G हमने लिख दिया, और आउटपुट में क्या है, ड्रेन है तो इसको हमने D लिख दिया. अब इनपुट किसके किसके बीच में, G और S के बीच में, तो VGS यहाँ पे हमने क्या कर दिया, एज ए इनपुट दे दिया. और आउटपुट में क्या है, आउटपुट वोल्टेज जो है वो VDS है, जो कि यहाँ पे भी आउटपुट होगा VDS जो है ये आउटपुट दे. अब देखते हैं कि इनपुट में क्या है, क्योंकि आप लोगों को पता है पहले से भी बताते आ रहा हूं मैं कि इसमें IG करंट जीरो होती है, IG करंट इज ऑलवेज जीरो. सो हेंस इसमें कोई भी रेजिस्टेंस अगर इसके बीच में राइज होगा गेट एंड सोर्स के बीच में तो क्या हो जाएगा, वो IG समर्थाई होकर जीरो हो जाएगा. इसलिए गेट एंड सोर्स इनपुट में कोई रेसिस्टेंस जनरली नहीं डेवलप होता है, सिर्फ इनपुट वोल्टेज जी और एस इनपुट के बीच में ये इनपुट वोल्टेज डेवलप होता है VGS. जबकि अगर BJT को रिकॉल करोगे तो यहाँ पे इनपुट रेसिस्टेंस βRE डेवलप होता था, इसलिए इनपुट में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, VGS होगा. क्योंकि आपको अगर फिर से रिकॉल करूं तो BJT एक करेंट कंट्रोल डिवाइस था, ये एक वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस, यानी कि इनपुट वोल्टेज को चेंज करके मैं आउटपुट को कंट्रोल करूंगा. उसमें IB एंड βRE को कंट्रोल करके, यानी कि IB और βRE एक कह सकते हो कि करंट का वैल्यू है, तो उसको जो है हम यानी कि IB को और βRE को हम वैरी करके क्या करते थे, आउटपुट करंट को वैरी करते थे. तो ये समझ में आया कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ VGS होगा, कोई रेसिस्टेंस या और अदर वैल्यूज नहीं होगी. IG तो ऑटोमेटिकली जीरो है, इसलिए IG भी यहाँ पे हम मेंशन नहीं करेंगे. अब आते हैं इनपुट कंप्लीट हो गया, इनपुट में सिर्फ VG है. ओके, आउटपुट साइड में देखते हैं तो आउटपुट में एक ID करंट होगी, क्योंकि ID और IS बराबर होता है, तो यहाँ पे ID करंट लिया. ID को हम रिप्रेजेंट करते हैं GM इंटू VGS से. अब आप पूछ सकते हो कि क्यों GM इंटू VGS से, ID से क्यों नहीं, क्योंकि हमें दिखाना है कि ये ID जो है वो VGS से कंट्रोल होता है, इसलिए हम VGS के टर्म में लिखेंगे इसको. तो VGS के टर्म में लिखने के लिए हमने VGS ले लिया, और उससे किस चीज से मल्टीप्लाई करें ताकि ID आ जाए, तो हमने क्या किया, GM से मल्टीप्लाई किया. कैसे, तो देखिए ID इक्वल टू GM को मैं लिख सकता हूँ ID बाई VGS, यानी कि आउटपुट करंट बाई इनपुट वोल्टेज. ट्रांसकंडक्टेंस होता है, ट्रांसकंडक्टेंस मतलब करंट बाई वोल्टेज.
तो आई डी वाई वीजीएस हमने कर दिया और इन टू वीजीएस से मल्टीप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो वीजीएस वीजीएस कैंसिल होकर क्या आ जाएगा, आई डी आ जाएगा। इसलिए जीएम इन टू वीजीएस इज नथिंग बट आई डी ही होता है, लेकिन उसको रिप्रेजेंट करने का तरीका जीएम इन टू वीजीएस से लिखते हैं, क्योंकि वीजीएस कंट्रोल कर रहा है हमारे आई डी को, है ना। अब एक यहाँ पे जैसे उसमें आर ओ था वीजीटी में, उस तरीके से यहाँ पे आर डी, यानी कि आर डी का मतलब डायनेमिक आउटपुट रेसिस्टेंस होगा, जो कि आउटपुट वोल्टेज बाई आउटपुट करें, यानी कि वीडीएस बाई आई डी के बराबर होते हैं। तो ये मात्र इसमें अगर देखा जाए तो इनपुट साइड में सिर्फ वीजीएस है, आउटपुट साइड में एक आई डी जिसको कि जीएम वीजीएस रिप्रेजेंट करते हैं और एक आर डी है। तो जब भी हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस केस में सबसे पहले हम ये एसी स्मॉल एसी मॉडल को वहां पे हम ड्रॉ कर देंगे, सो जिससे कि हम आगे जो भी इसके साथ रेजिस्टेंस एंड वोल्टेज ऐड होंगे उसको हम दिखाते जाएंगे। इसमें एक और लाइन मैंने लिख रखा है ये पोर्शन, आर डी को हम 1/YOS से भी रिप्रेजेंट करते हैं। YOS का मतलब क्या है, वाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं एडमिटेंस है, तो ये एक एडमिटेंस सर्किट है, तो आपको पता है कि R इज इक्वल टू क्या होता है 1/Y। तो ये आर डी को 1/YOS का मतलब है ओ, ये ओ मतलब आउटपुट, एस मतलब सोर्स, तो सोर्स के अकॉर्डिंग, एक सोर्स के रिस्पेक्ट में हम इसको अप्लाई करते हैं, इसलिए आर डी इज इक्वल टू 1/YOS ही लिखते हैं। और ये किसी किसी न्यूमेरिकल में आपको डायरेक्ट YOS की वैल्यू दी हुई होगी तो आपको आर डी निकालने के लिए जस्ट उसका इनवर्स कर देना होगा। ओके, क्लियर है। अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि जो अभी हमने एक ये देखा JFET का एसी मॉडल कैसे बनाते हैं, तो एक एग्जांपल के तौर पे हमने क्या किया है, एक कॉमन सोर्स फिक्स बायस JFET को ले लिया है। तो कॉमन सोर्स फिक्स JFET, सो हियर हमने क्या किया है, एज ए एग्जांपल हमने एक कॉमन सोर्स सर्किट लिया है JFET का और उसको हम यहाँ पे दिखाने जा रहे हैं। कॉमन सोर्स का हमने फिक्स बायस लिया है जो कि बेसिकली यहाँ पे दिखाया गया है। तो फिक्स बायस में क्या होता है, एक आर जी रेजिस्टेंस होता है, दो वोल्टेजेस होते हैं, एक वीडीडी और एक वीजीजी। वीजीजी नेगेटिव एंड वीडीडी क्या होता है, पॉजिटिव होता है। यहाँ पे वीडीडी को हमने पॉजिटिव और वीजीजी को यहाँ पे प्लस से माइनस नेगेटिव से यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। इसके बाद बेस मतलब गेट में एक सर्किट लगा रखा है आर जी, और दोनों इनपुट यहाँ से लेते हैं गेट से और आउटपुट किससे लेते हैं, ड्रेन से, ये आउटपुट दिखा रखा है। दो रेसिस्ट कैपेसिटर यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रखा है इनपुट के साथ में और एक आउटपुट के साथ में। सोर्स से कोई भी रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं है, फिक्स बायस में हम जानते हैं कि सोर्स से कोई रेजिस्टेंस कनेक्टेड नहीं होता, और ड्रेन से हमारा आर डी रेजिस्टेंस कनेक्टेड है। ये हमारा हो गया फिक्स बायस कॉन्फ़िगरेशन। अब जैसे मैंने बताया था कि जब स्मॉल सिग्नल मॉडल या एफईटी के बारे में आप पढ़ते हो तो हमें क्या करना पड़ता है, एफईटी का स्मॉल मॉडल या बीजेटी का स्मॉल सिग्नल मॉडल बोलते हो, तो उसमें सबसे पहले जो कैपेसिटर है उसको शॉर्ट सर्किट कर देंगे, तो ये हो जाएगा शॉर्ट सर्किट और ये भी हो जाएगा शॉर्ट सर्किट। और जो ये वीडीडी है इसको क्या करेंगे, हम ग्राउंड से रिप्रेजेंट कर देंगे, तो वीडीडी भी ग्राउंड हो जाएगा। इसका मतलब है कि मेरे पास जो दो रेसिस्टेंस है, तो एक ड्रेन से ग्राउंड हो जाएगा और दूसरा, क्योंकि ये भी वोल्टेज सोर्स ग्राउंड हो जाएगा, मेरा ऑलरेडी ग्राउंड है ही, तो दूसरा जो है वो गेट से ग्राउंड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे देखते हैं, और इसके बीच में जो ये डी ड्रेन सोर्स एंड गेट लगा हुआ है उसकी जगह पे जो हमने जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बनाया था JFET एसी मॉडल, उसको यहाँ पे बना देंगे। तो देखिए ये इधर इनपुट साइड और इस साइड में आउटपुट साइड, इनपुट साइड ये है हमारा और इधर क्या है, आउटपुट साइड है, क्लियर। ये है हमारा आउटपुट साइड, तो आउटपुट साइड में हमने क्या लिया, जीएम इनटू वीजीएस एक करंट सोर्स और एक आरडी, ओके। और इनपुट साइड में सिर्फ वीजीएस जो कि क्योंकि कंट्रोल करता है। तो यहां से यहां तक का जो पोर्शन है, दिस पोर्शन इज JFET का एसी मॉडल है, यहां से यहां तक का पोर्शन, ठीक है। सोर्स जो है दोनों में कॉमन है, ग्राउंडेड है। नाउ अब इसमें जो अलग से कनेक्टेड है, मतलब इसमें गेट आरजी जो है गेट से सोर्स, गेट से लेके ग्राउंड के बीच में कनेक्टेड है, तो गेट से ग्राउंड के बीच में हमने आरजी को कनेक्ट कर दिया। और इधर आरडी यानी कि ड्रेन से एक रेजिस्टेंस आरडी कनेक्टेड है ग्राउंड के बीच में, यानी कि ये ग्राउंड लाइन है, तो ये आरडी कनेक्ट कर दिया। बस ये दो अलग से हमें कनेक्ट करना पड़ा क्योंकि ये इसके साथ, इस सर्किट के साथ गिवन है और इसका मॉडल के तौर पर। अब अगर मैं आपसे पूछूं इस सर्किट को देख के कि आप बताइए कि इसका इनपुट इम्पीडेंस क्या होगा, तो इनपुट में अगर मैं इधर, ये इनपुट है जेड आई, इनपुट इधर इस साइड है, तो इधर जी आई से मैं रिप्रेजेंट करूं, आपसे पूछूं कि इसका जेड आई इनपुट रेजिस्टेंस क्या होगा, तो कोई बता सकता है कि सर एक ही सिर्फ रेजिस्टेंस है आर जी, तो जेड आई इसका क्या हो जाएगा, आर जी, इनपुट इम्पीडेंस आर जी के बराबर हो जाएगा। सिमिलरली मैं अगर आउटपुट साइड में, इधर साइड में पूछूं ये आउटपुट इम्पीडेंस क्या होगा यहाँ पे जेड आउटपुट की वैल्यू, तो
अब देख सकते हो कि यहाँ पे दो रेसिस्टेंस है, दोनों आपस में पैरेलल में है, यानी कि स्मॉल आर डी एंड कैपिटल आर डी। तो इसका मतलब ये कि आउटपुट इम्पीडेंस जो है वो स्मॉल आर डी पैरेलल टू कैपिटल आर डी के बराबर हो जाएगा, जो कि ऑलरेडी हमने यहाँ पे दिखा रखा है। ठीक है, तो इनपुट इम्पीडेंस भी हो गया, आउटपुट इम्पीडेंस भी हो गया। अब बचा क्या, वोल्टेज गेन। जनरली हम करंट गेन इसमें नहीं निकालते हैं, क्योंकि आउटपुट करंट बाय इनपुट करंट का रेशियो होगा, इनपुट करंट जीरो होता है ना, तो इस वजह से हम सिर्फ और सिर्फ जो है गेन, वोल्टेज गेन जनरली निकालते हैं जनरली। सो एवी इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। वोल्टेज गेन को लिख सकते हैं आउटपुट वोल्टेज बाय इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज क्या है, वीडीएस, ड्रेन टू सोर्स के बीच में। तो वीडीएस जो है हमारा आउटपुट वोल्टेज है, एंड जो इनपुट जो वोल्टेज है वो क्या है, वीजीएस है, वीजीएस। तो आउटपुट वीडीएस जो है, वीडीएस मतलब ये यहां से यहां तक का वोल्टेज, इसको मैं लिख सकता हूँ आई ओ इंटू जेड नॉट, यानी कि आई इंटू आर के रेशियो, मतलब मल्टीप्लिकेशन को क्या बोल सकते हैं, वीडीएस बोल सकते हैं। और आईओ नथिंग बट किसके बराबर है, आईडी के बराबर है। ये यहाँ पे ये आईओ है, आईडी, बस लेकिन अपोजिट है, नेगेटिव में। इसलिए मैं क्या, इसको, इसकी वैल्यू, आईडी की वैल्यू क्या लिख सकता हूँ मैं, जीएम इंटू वीजीएस। यहाँ पे मैंने क्या लिख दिया, जीएम इंटू वीजीएस इंटू जेड नॉट, और वीजीएस तो ऑलरेडी यहाँ पे है ही, तो जीएम इंटू वीजीएस वीजीएस कैंसिल आउट हो जाएगा, और एवी की वैल्यू क्या मिलेगी, माइनस जीएम इंटू जेड नॉट। तो ये तीनों चीजें निकल गई, इनपुट इम्पीडेंस आरजी, आउटपुट इम्पीडेंस आरडी पैरेलल टू कैपिटल आरडी, एंड एवी की वैल्यू जो है वो आपकी वैल्यूज आ गई माइनस जीएम इंटू जेड नॉट। तो इस तरीके से हम जेफेट का एसी मॉडल को पढ़ा, और एक एग्जांपल के तौर पे कॉमन सोर्स फिक्स बायस का कैसे हम निकालेंगे, इनपुट इम्पीडेंस आउटपुट इम्पीडेंस एंड वोल्टेज गेन, हमने इसको देख लिया। अब क्या कर रहे हैं, हम एक एग्जांपल वोल्टेज डिवाइडर बायस का सॉल्व कर रहे हैं, जो कि यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, एकेटीयू यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में आया हुआ है। तो लेट अस सी हाउ टू सॉल्व वन न्यूमेरिकल ऑन इट। ओके गाइस, सो लुक एट हियर, इफ यू विल सी द एग्जांपल इज आस्क्ड, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ जेड आई, जेड ओ एंड वी आउटपुट। इट्स नॉट आस्क्ड ए वी, बट वी इन वैल्यू इज गिवन 20 मिलीवोल्ट एंड द गिवन सर्किट इज दिस वन। यानी कि मैंने लिख दिया यहाँ पे वोल्टेज डिवाइडर बायस जेफेट सर्किट है, लेकिन आपको क्वेश्चन में, एग्जाम में नहीं दिया रहेगा कि कौन सा सर्किट है और इसका एसी एनालिसिस करना है कि डीसी एनालिसिस करना है। आपको पहचानना है इससे कि अगर जेडआई लिखा हुआ है और जेडो लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको जो है वो एसी एनालिसिस करना है। एसी एनालिसिस का 50% पास डीसी, 50% जो पार्ट होता है यानी कि सोल्यूशन होता है वो डीसी एनालिसिस ही होता है। चलिए देखते हैं, जैसे ही ये क्वेश्चन आया तो सबसे पहले, जैसा कि हमने डीसी मॉडल में, डीसी एनालिसिस में किया था, सिमिलरली उसी तरीके से हम इसका वीजी निकाल लेंगे, यानी कि गेट वोल्टेज। और जैसे वीजी निकालेंगे तो वीजी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, वीडीडी इनटू आर टू डिवाइड बाई आर वन प्लस आर टू। सारा दिया हुआ है, वीडीडी की वैल्यू दी हुई है 20 वोल्ट, तो 20 रख लिया हमने। आरडी, आर टू की वैल्यू दी हुई है 11 मेगा ओम, और आर वन की वैल्यू दी हुई है 82 मेगा ओम, तो आर टू को हमने यहाँ पे 11, R1 plus R2 यहाँ पर रख दिया। सारे मेगा ओम में है, इसलिए मैंने यूनिट नहीं लिया यहाँ पे। एंड देन योर वैल्यू इज कमिंग 220 डिवाइड बाय 93, दैट इज वीजी इक्वल टू 2.37 वोल्ट। वीजी निकल गया, गेट वोल्टेज हमें मिल गया, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का वोल्टेज जो है वो मुझे मिल गया। तो सबसे पहले हम डीसी एनालिसिस करके क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें पता है कि एवी निकालने के लिए, जेडआई जेडआउट निकालने के लिए तो कुछ भी नहीं करना है, डायरेक्टली यहाँ से निकल जाएगा कि जेडआई इक्वल टू आरजी के, मैंने कि इन दोनों के पैरेलल के बराबर हो जाएगा, और आउटपुट जो है वो सिर्फ आर डी के बराबर हो जाएगा, वो हम बाद में बताएंगे आपको। लेकिन वी आउटपुट निकालने के लिए माइनस जी एम इंटू माइनस जी, जस्ट लास्ट स्लाइड में हमने देखा था, माइनस जी एम इंटू जेड नॉट करना पड़ेगा। तो जी एम, जी एम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टू आई डी एस एस वन माइनस वी जी एस बाई वी पी का स्क्वायर, माइनस टू आई डी एस एस बाई वी पी वन माइनस वी जी एस बाई वी पी, और वो सारी वैल्यू जो है आपको निकालनी पड़ेगी। इसीलिए जो है हम यहाँ पे आपको ये डीसी एनालिसिस के थ्रू आईडी और वीजीएस की वैल्यू निकाल रहे हैं। रिमेनिंग वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो दी हुई है, क्लियर। ये वैल्यू आपको यहाँ पे एग्जैक्टली देखा जाए तो दिया हुआ है, ऑल दिस वैल्यूज, क्लियर नाउ। सो अब हम क्या करेंगे, स्टेप टू में केवीएल अप्लाई कर देंगे गेट टू सोर्स सर्किट में। मैंने इसका इक्विवेलेंट सर्किट नहीं ड्रॉ किया, डायरेक्ट मैं यहाँ पे लगा दिया है, क्योंकि डीसी एनालिसिस वाले में मैंने बता रखा है। तो क्या होगा, माइनस वीजी माइनस वीजीएस एंड माइनस आई एस इंटू आर एस, जो कि हम लिख सकते हैं, वीजीएस को मैं अगर इधर लेके चला जाऊं तो हो जाएगा वीजीएस इज इक्वल टू वीजी, मतलब वीजी माइनस आई डी इंटू आर एस, ठीक है। सो
ऑलरेडी वीजी की वैल्यू जो है वो अभी जस्ट निकाला था हमने 2.36 या 2.37, एंड आईडी की जो वैल्यू दी हुई है वो निकालना है हमें, आरएस की वैल्यू यहाँ पे 610 ओम 610 ओम दिया हुआ है। ओके ओके सॉरी हियर इट विल बी वीजी बिकॉज इन दिस केस द वोल्टेज विल बी प्लस टू माइनस सो इट इज नथिंग बट पॉजिटिव वोल्टेज बिकॉज वीजी विल बी कमिंग हियर लाइक दिस वीजी इज दिस वोल्टेज फ्रॉम हियर टू हियर सो ये वोल्टेज जो होगा हमारा पॉजिटिव होगा मतलब पॉजिटिव मतलब ऊपर की तरफ प्लस नीचे की तरफ माइनस तो दिस इज नथिंग बट वीजी सो इट विल बी टेकिंग एज ए पॉजिटिव तो इसलिए हमारा वीजी इज इक्वल टू वीजी माइनस आईडी इनटू आरएस तो ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 निकल गया यहां से VGS is equal to क्या मिला 2.3666 minus 610 into ID. Okay. So next step में हम क्या करेंगे? Next step में हम निकालेंगे step number 3rd में Shockley equation निकालेंगे को use करेंगे और उससे हमें ID and VGS की value निकालेंगे. आप लोगों को पहले ही बताया था कि JFET में fixed bias को छोड़ के अगर आप self bias या voltage divider bias पे जाते हो तो आपको quadratic equation solve करना पड़ेगा. और बड़ा ही simple quadratic equation generally होता है. और उसको आप आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके जनरली आप सॉल्व कर सकते हो बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा तो Shockley इक्वेशन ये हो गया हमारा आईडी इज इक्वल टू आईडीएसएस 1 माइनस वीजीएस बाय वीपी का होल स्क्वायर आईडी की वैल्यू निकालनी है आपको आईडीएसएस 12 मिली एंपियर दे रखा है 1 माइनस वीजीएस की वैल्यू जस्ट अभी हम लोगों ने निकाला आईडी के टर्म्स में 2.366 माइनस 610 आईडी एंड डिवाइड बाय वीपी की वैल्यू माइनस 3 वोल्ट दे रखी है तो इस तरीके से हमने इसको माइनस 3 रख लिया और का स्क्वायर अब हम क्या करेंगे डायरेक्टली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ना करके हम ये जो टर्म्स है ये वाला यहाँ से यहाँ तक का टर्म है डायरेक्टली माइनस 3 से डिवाइड कर देंगे ताकि आसानी हो जाए हमें कैलकुलेशंस में तो हमने क्या किया आईडी इज इक्वल टू इसको हमने मिली एम्पियर को डायरेक्टली एम्पियर में लिख दिया 0.012 और इसमें 2.366 से माइनस 3 से डिवाइड कर दिया हमने तो ये पूरा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो प्लस ये आ जाएगा 0.789 और ये 610 डिवाइड बाय 3 करेंगे तो 20.3.3 आईडी का और टोटल का होल स्क्वायर आ जाएगा अब हम क्या करते हैं देखिए यहाँ पे 1 है और यहाँ पे माइनस माइनस एलईडी प्लस हो चुका है तो ये आपस में दोनों कांस्टेंट वाला जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 1.789 माइनस 20.3.3 आईडी का होल स्क्वायर ओके सो सबसे पहले अब इसका स्क्वायर कर लेते हैं ए स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस बी स्क्वायर तो इसका स्क्वायर करेंगे तो 3.2 आएगा इसका 2 इंटू ए इंटू बी करेंगे तो 727 आईडी आएगा और 203.3 का हम अगर स्क्वायर करेंगे तो ये 41330.89 आईडी के स्क्वायर आईडी स्क्वायर के अराउंड वैल्यूज आएगी आपकी और अब क्या करना है ये सारा कुछ हमने कैलकुलेटर साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज करके किया हुआ है और अब क्या करो 0.1 से सब में मल्टीप्लाई कर दो 0.1 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो मेरी वैल्यू आएगी 0.0384 माइनस 8.7 आईडी क्योंकि इससे हमने 0.12 से मल्टीप्लाई कर दिया और ये जो वैल्यूज है 41330 इसको हमने मल्टीप्लाई किया 0.012 से तो मेरी वैल्यू आ गई इतनी अब क्या है देखो इधर सारा टर्म्स एक साथ लेकिन इधर एक आईडी का टर्म्स है तो इसको भी मैं क्या करूंगा इधर लेके आ जाऊंगा और इसको इधर लेके आने के बाद ये प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा और ये पूरा मेरा क्वाड्रेटिक टर्म्स इक्वेशंस के टर्म्स में कन्वर्ट हो जाएगा जैसे ये बन जाएगा मेरा ये नहीं सॉरी So, 495.97 ID square और minus 8.7 and minus ID कितना हो गया? Minus 9.7 ID and 0.0384 is equal to 0. तो ये equation बना. इस equation को आप scientific calculator में put करोगे and you'll be getting value ID is equal to 0.014 ampere. पहला वाला part ampere में है और दूसरा 5.5 milliampere. It means that ID की value 40 milliampere और 5.5 milliampere होगा. अब आपको दोनों में से कोई एक ही value लेनी है. तो ID is equal to 14 milliampere is not a correct answer because इसकी value IDSS से ज्यादा है IDSS हमारे 12 ओम देख सकते हो वहां पे IDSS जो है वो 12 milliampere है लेकिन ID की वैल्यू कितनी आ रही है 40 milliampere this is that's why it is not a valid value so valid क्या होगी this is the correct value यानी कि 5.5 milliampere ID की वैल्यू निकल गई तो जब ID की वैल्यू 5.5 milliampere निकल गई तो इक्वेशन 1 के थ्रू जो कि 2.36 minus 610 ID था उसमें वैल्यू को पुट करके हम क्या किया यहाँ से VGS निकाल लिए तो हमें VGS नेगेटिव आ रही है इसका मतलब है हमारा कि वैल्यू करेक्ट आया क्योंकि VGS क्या आना चाहिए नेगेटिव आना चाहिए ओके तो हमने ID निकाल लिया VGS निकाल लिया अब यहाँ तक का जो इक्वेशन था यहाँ तक का जो कैलकुलेशन था वो DC एनालिसिस का था क्लियर अब हम क्या करने जा रहे हैं कि इसके इक्वेशंस में
अब हम एसी एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो एसी एनालिसिस के लिए क्या करेंगे हम, ये आप सर्किट देख सकते हो जो हमने सर्किट यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ है, ये आपका एसी मॉडल का सर्किट है। तो सबसे पहले जेफेट का, यहाँ से यहाँ तक का पार्ट मैं दिखा दूं, ये पार्ट जो है वो जेफेट का एसी मॉडल का पार्ट है। इसके बाद हमने इनपुट में क्या किया है, एक आर वन, क्योंकि दो रेसिस्टेंस है ना, तो दोनों रेसिस्टेंस को, एक को आर वन एंड आर टू बेस मतलब गेट में लगा दिया, और आउटपुट में सिर्फ आर डी यानी कि कैपिटल आर डी लगा है। क्यों, इसको मैं आप लोगों को थोड़ा सा पीछे ले जाके दिखाता हूँ कि क्यों हमने ऐसा किया। जस्ट विल गो बैक हियर एंड विल सी। अभी क्या है कि स्टेप्स क्या है कि ये जो कैपेसिटर है वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, ये भी शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। तो जैसे ही ये शॉर्ट सर्किट हुआ और ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ग्राउंड हो जाएगा, ये पोर्शन है ना, ये जो वीसीसी है ग्राउंड हो जाएगा, और ये तो शॉर्ट सर्किट है ही। तो अब अगर देखेंगे तो गेट से दो सर्किट, दो रेसिस्टेंस कनेक्टेड होगा, एक आर वन ये एंड आर टू, दोनों किससे करंट, ये आर वन किससे हो जाएगा, ग्राउंड से, और ये आर टू भी किससे रहेगा, ग्राउंड से। तो आर वन आर टू आपस में क्या हो जाएंगे, पैरेलल में। अब आते हैं आउटपुट साइड में, आउटपुट साइड में आर डी, ये जो आर डी है 2 किलो मोलर, आर डी कनेक्ट हो जाएगा ग्राउंड से यहाँ पे, लेकिन ये आर एस जो है वो नहीं कनेक्ट होगा, बिकॉज ये शॉर्ट सर्किट हो गया। ये सी जो है कॉमन इमीटर, शॉर्ट सर्किट की वजह से सारा करंट इधर से पास करेगा, इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा। इसीलिए आर एस को हम इसमें, जब हम एसी एनालिसिस मॉडल दिखाते हैं, उसमें रिप्रेजेंट नहीं करते। क्लियर है? तो चलते हैं उस स्लाइड पे। या तो यार हमने क्या किया, यहाँ पे जस्ट वी हैव ड्रॉ, तो ये यहां से यहां तक का जो मॉडल हो गया वो आपका जेफेट का एसी मॉडल है, और रिमेनिंग जो बचा ये आर डी एक लग गया, हम वोल्टेज डिवाइडर बायस के लिए कैपिटल आर डी यहाँ पे लगा दिया आउटपुट साइड में, ये आउटपुट साइड है, और उधर इनपुट साइड में आर वन आर टू, चाहो तो डायरेक्टली आर वन आर टू का पैरेलल यहाँ पे डायरेक्टली आर डी सॉरी आर जी या कुछ और नाम से, आर डैश के नाम से यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अगर आप अभी क्या करना है, मुझे जीएम की वैल्यू निकालनी है, क्यों, क्योंकि एवी निकालने के लिए, एवी निकालने के लिए आपका फॉर्मूला जो होता है वो माइनस जीएम इंटू जी नॉट के बराबर होता है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, जीएम की वैल्यू चाह रहे हैं कि हम निकाल लें। क्लियर? तो जीएम की वैल्यू निकालने के लिए हम फॉर्मूला का यूज करते हैं, जो जीएम का फॉर्मूला है, एंड उस जीएम के फॉर्मूले से हम इसकी वैल्यू जो है वो निकाल रहे हैं। तो जीएम का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टू आई डी एस एस बाई वी पी वन माइनस वी जी एस बाई वी पी। सारी वैल्यू आपको पता है, माइनस टू आई डी एस एस भी पता है, वी पी भी पता है, VGS भी पता है, VPP भी पता है। अब इसमें हमने क्या पुट किया, माइनस टू इंटू IDSS की वैल्यू 12 मिली एम्पियर, VP की वैल्यू पिंच ऑफ वोल्टेज की वैल्यू -3, 1 माइनस VGS की वैल्यू ऑलरेडी यहाँ पे -0.99 जस्ट अभी थोड़ी देर पहले निकाला था हमने, और ये अगेन VP जो है वहाँ पे -3 वोल्ट दे रखा है। और इसको सॉल्व करने के बाद व्हाट विल फाइंड आउट द, सो इसके बाद हम क्या करेंगे, इनपुट इंपेडेंस निकालेंगे। अगर मैं यहाँ से आपको देखने के लिए बोलूँ तो इनपुट इंपेडेंस की वैल्यू क्या होगी, ZI, और ZI क्या है आप देख सकते हो, ZI जो है R1 parallel to R2 है, तो R1 parallel to R2 हमने यहाँ पे देख लिया, और इसकी वैल्यू 82 into 11 divided by 82 plus 11 के बराबर हो गया, यानी कि 9.7 मेगा ओम, ये मेगा ओम में है इसलिए वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, मेगा ओम में। अब आउटपुट इम्पिडेंस निकालेंगे, तो अगर आउटपुट इम्पिडेंस देखोगे तो क्या है, आउटपुट इम्पिडेंस में सिर्फ दो रेसिस्टेंस है, एक स्मॉल आर डी एंड कैपिटल आर डी, तो ये स्मॉल आर डी पैरेलल टू कैपिटल आर डी, और आपकी वैल्यू निकल गई 1.96 किलो। सारी वैल्यू दी हुई है, स्मॉल आरडी की वैल्यू 100 किलो ओम एंड आरडी की वैल्यू 2 किलो, दोनों किलो ओम में। अब वोल्टेज गेन का फॉर्मूला निकाल लगाते हैं, AV is equal to VI V output by V input, जो कि minus GM into Z naught के बराबर होता है। सो ये हो गया -5.4 मिली एम्पियर पर वोल्ट, GM का यूनिट होता है, एंड Z naught की वैल्यू 1.96 किलो ओम दे रखा है। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो वैल्यू आ गई -10.584, V output by V in की वैल्यू 20 दे रखा है मिली वोल्ट में, तो इसलिए हम मल्टीप्लाई कर देंगे -10.8584 इंटू 20 मिली वोल्ट, एंड यू विल बी गेटिंग द वैल्यू -211.68 मिली वोल्ट, और इसको अगर मैं वोल्ट में लिखूं तो -0.211 वोल्ट के आसपास। तो सो अगर तीनों वैल्यू यानी कि जेड आई की वैल्यू कितनी आ गई, 9.7 मेगा ओम, जेड आउटपुट की वैल्यू स्मॉल आर डी पैरेलल टू कैपिटल आर डी हो गई 1.976 किलो ओम, एंड वी आउटपुट की वैल्यू -0.211 वोल्ट। तो ये रहा हमारा एसी एनालिसिस ऑफ जेफेट का एग्जांपल। आई होप कि आप सब लोगों को ये चीज समझ में आई होगी, और कोई भी डाउट आता है तो आप कमेंट बॉक्स में या चैट बॉक्स में लिख के मुझे
मुझसे जरूर पूछ लेंगे। थैंक यू।